आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। महाराजगंज से बड़ी खबर, भाजपा में मचा हड़कंप। महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तीन मंडल अध्यक्षों ने प्रत्याशी के विरोध में पार्टी से रविवार को त्याग पत्र दे दिया। सिसवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से विधायक रह चुके प्रेम सागर पटेल को एक बार पुनः पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन प्रेम सागर पटेल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को पार्टी के मिठौरा मंडल अध्यक्ष दीपक पांडे, जहदा मंडल अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव और निचलौल मंडल अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी को त्याग पत्र दे दिया। संयुक्त रूप से मंडल अध्यक्षों ने बताया कि हम लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी द्वारा भेजे गए प्रत्याशी के प्रचार प्रसार को लेकर हम लोग जनता के बीच भी जा रहे थे, लेकिन जनता बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रही है। जनता कथित रूप से प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार और धन दोहन का आरोप लगाते हुए क्षेत्र में अनुपस्थित होने का आरोप लगाकर वोट देने से मना कर रही है, जिससे कार्यकर्ताओं और पार्टी के सम्मान को आघात पहुंच रहा है। लिहाजा पार्टी हित में हम लोग त्याग पत्र दे रहे हैं। सवाल के जवाब में मंडल अध्यक्षों ने बताया कि हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी का सेवा हमेशा करते रहेंगे। साथ ही मंडल अध्यक्षों ने मोदी और योगी के कार्यों की सराहना की। हालांकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल से नाराजगी जताते हुए कुछ लोगों ने एक गांव के मंदिर पर उनके विरुद्ध मुर्दाबाद का नारा लगाया था। बताते चलें कि सिसवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निचलौल, जहदा और मिठौरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में तीन मंडल अध्यक्ष का त्याग पत्र देने के कारण क्षेत्र में राजनीतिक हड़कंप मच जाना स्वाभाविक है। साथ ही त्याग पत्र के बाद पार्टी से असंतुष्ट कार्यकर्ता मुखर होना शुरू हो गए हैं। देखिए हमारे साथ विशेष रिपोर्ट सुरेंद्र रावत के साथ। अगर पटेल जी हैं, उनका क्षेत्र में तमाम विरोध है, तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तमाम वो कार्यकर्ता जो गांव में प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग, जनता जो है काफ़ी रुष्ट है, नाराज है, बहुत सारी टिप्पणी भी सुनने को मिल रहा है। ऐसे में हमारा व्यक्तिगत छवि जो है वो पूरी तरह से धूमिल हो रहा है और मैं किसी और के अन्य के चक्कर में मैं अपना व्यक्तिगत छवि धूमिल नहीं होने दे सकता, क्योंकि जिस सम्मान के लिए मैं पार्टी से जुड़ा था और जिस सम्मान के लिए मैं राजनीति में आया था, वह चीज़ मेरा जब खत्म हो जाएगा तो फिर हमको राजनीति में रहने से कोई मतलब नहीं है। हमें वर्तमान विधायक प्रेम सागर पटेल क्यों विरोध हो रहा है, किस बातों को लेकर गाँव में उनका विरोध हो रहा है? उनका देखिए, 5 साल वो विधायक रहे, क्या किए कैसे किए ये हम उनके नज़दीक तो रहे नहीं कि हमको पता है। हम चूंकि कार्यकर्ता थे, हम संगठन का काम कर रहे थे। अब लेकिन जनता विरोध कर रही है, तमाम उन बातों को लेके विरोध कर रही है जो आप सबके संज्ञान में है। सभी पत्रकार बंधु जानते हैं क्या क्या विषय है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें जनता के बीच में, पत्रकार के बीच में, हम सभी के बीच में आ रही है, सुनने में आ रहा है। आप अभी कह रहे हैं कि हम नज़दीक नहीं थे और इस समय नज़दीक होकर के उन्हीं के द्वारा जो है आप प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्रों में निकले थे, जिस पे आपको सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम नेता के नज़दीक, किसी नेता के नज़दीक नहीं रहे। हम संगठन का काम करते थे, संगठन के दायित्व पे थे और संगठन के ही हित में आज हमको ये निर्णय लेना पड़ रहा है और इसीलिए शायद हम बाध्य हैं, चूँकि बहुत तनाव में। आप लोगों के साथ कितने लोग त्याग पत्र दे रहे हैं? साथ क्या है, भाई साहब की अपनी मर्जी थी, भाई साहब की भी अपनी मर्जी थी। आप जहदा के हैं,